तो क्या हो अगर एक माइनर के रेप केस में किसी एक गलत इंसान को पकड़ लिया जाए और उसको सजा देने की कोशिश की जाए। तो आज मूवी एक ऐसे ही केस के बारे में बात करती है जो कि अपने अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लेके चलती है एंड ऑफ द मूवी तक। और अगर तुम उस ट्विस्ट को देखोगे शायद से तुम्हारा जो दिल है वो शैटर्ड हो जाए लास्ट ट्विस्ट को देखने के बाद। तो जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है गार्गी। और इस मूवी के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं ज्योतिका और सूर्या की कंपनी है, उन्होंने प्रोड्यूस करी ये मूवी गार्गी। और लिटरली वर्थ इट थी, मतलब जो होता है ना क्वालिटी सिनेमा जो लोग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसे नहीं होते, ये है वो चीज़ जो दिखाई जानी चाहिए ऑन स्क्रीन। कोई दिखाने गया भूदन रखता, बट कुछ कुछ डायरेक्टर हैं जो आ जाते हैं अपनी ताकत लेके कि हम बनाएंगे बिल्कुल। तो मूवी शुरू होती है 9 साल की बच्ची के एक रेप केस से के उसका रेप हो गया है और जो 4 कल्प्रेट हैं पकड़े गए हैं, पर पांचवा जो कल्प्रेट है क्या वो कल्प्रेट है भी या नहीं, इसी की कश्मकश में पूरी स्टोरी घूमती है और हमें दिखाया जाता है दोनों POV से कि क्या चल रहा है। तो तुम्हें मूवी का POV दिखता है गार्गी के थ्रू, जो कि है लीड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी जिसका रोल प्ले किया है साई पल्लवी ने। तुम नहीं जानते हो क्या है वो, तो तुम्हें बताना चाहूंगा जो आने वाली रामायण है उसमें सीता माता की कहानी है, तो तुम्हें पोटेंशियल ऐसे भी गिना दिया। और अगर तुमने देखना है थोड़ा अलग जॉनर जिसमें मजे मस्ती हो तो तुम Maari 2 देख सकते हो। हाँ उसमें है वो, उसमें बिल्कुल ही अलग वाइब में, और भी बहुत सारी मूवीज हैं। तुम कहोगे तो फिदा है, फिदा तो स्टार गोल्ड पे इतना ज्यादा आती है तुम कभी भी संडे को बैठोगे तो अब मिल ही जाएगी। और जब ये जो केस के बारे में बताया जा रहा था तब दिमाग में ये चल रहा होता कि ऐसी चीज़ों में एक्शन सीधा लेना चाहिए, सीधा मतलब सीधा फांसी, बट क्या वो सही रहेगा। तो मूवी उसी पे आगे बात करती है और समझाती है कि क्यों गलत हो जाएंगी चीज़ें और अगर ऐसा कर दिया गया तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो मूवी हमें दिखाई जाती है गार्गी के POV से कि गार्गी के पास्ट लाइफ में भी कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रखे हैं जो कि इस केस से लिंक्ड नहीं है, बट जब ये केस ओपन होता है उसकी आंखों में आता है तब उसको वो फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं जो उसके साथ मिसबिहेव किया गया था उसके ट्यूशन टीचर के थ्रू। और जो ये 9 साल की बच्ची का रेप केस होता है इसमें पता चलता है गार्गी को, गार्गी के जो पिताजी हैं वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे उसी अपार्टमेंट में जिसमें ये केस हुआ है और वो कल्प्रिट में से एक माने जा रहे हैं। पूरी न्यूज़ में सर्कुलेट हो चुका होता है, बदनामी चालू हो चुकी है, बट गार्गी नहीं मानती क्योंकि मैं आगे दिखाया जाता है क्योंकि एक इंसान जो खुद किसी का बिलीफ सिस्टम हो कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो कैसे किसी को कर सकता है, उसकी थिंकिंग ये थी। और मूवी तुम्हें बहुत अच्छे से समझाती है कि क्यों केसेस चलने चाहिए लंबे, क्योंकि अगर केसेस सीधे नहीं चलेंगे और हम यही कश्मकश में लगे रहेंगे कि फटैक से उन्हें उड़ा दिया जाए ख़त्म कर दिया जाए तो क्या गलत हो सकता है, क्या पता एक जो कल्प्रेट हम मान के चल रहे हैं वो क्रिमिनल हो ही ना, सच्चाई कुछ और हो। इसीलिए केसेस लंबे चलते हैं बट उसको अंत तक पहुँचाना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर तुम्हारे पास प्रमाण नहीं है तो तुम खुद भी जिंदा नहीं हो, यू नो। और मूवी में दिखाया जाता है कि गार्गी को कितना बैकलैश मिल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि उसके पिता ने कुछ किया है कि नहीं, बट जब न्यूज़ ये इतनी वायरल हो चुकी है तो क्या खराब होनी चालू हो गई है उसकी लाइफ, क्योंकि वो जिसके साथ रहती थी वो एक कल्प्रिट माना जा रहा है, वो पक्का भी नहीं है और उसकी लाइफ में अभी से ही इतना सब गंदा होने लगा है, उसके जॉब से निकाल दिया जाता है, उसका जो घर है उस पर कीचड़ उछाला जाता है और लिटरली गोबर के उपले लगा दिए जाते हैं उस घर पे, और भी बहुत ह्यूमिडिटी झेलनी पड़ती है उसको अकेले क्योंकि तीनों महिलाएं हैं। तुम सोच रहे हो किसी महिला के साथ गलत हुआ है बट तुम सजा भी किसको दे रहे हो, उस घर की सारी महिलाओं को। और मूवी में हमें दिखाई जाती है सोसाइटी बिल्कुल अपने घिनौने लेवल पे। तो जो गार्गी है वो कोर्ट में अपने पापा का केस लड़ने के लिए गई हुई है और एक पुलिस ऑफिसर ऐसी बातें कह रहा है कि क्या सही दिखती है यार और उसकी फोटो खींच रहा है विदाउट हिज कंसर्न और फॉरवर्ड कर रहा है। और मूवी में ट्विस्ट आना चालू जब होते हैं जब हमें पता चलता है कि पुलिस की एक इतनी सी गलती की वजह से क्या पता पूरा केस ही उलट पलट जाए, और जो कि होता भी है कि वहाँ पता चलता है कि एक जो डिप्रेशन की गोली है वो अडल्ट के लिए अलग काम करती है और ऑब्वियसली बच्चों के लिए अलग डोसेज होता है, बस उन्होंने अडल्ट का डोज बच्चे को दे दिया था जिसकी वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ता है और वो शायद से अपने सोचने की क्षमता को कम कर देता कुछ टाइम के लिए। और वैसे ही मूवी में होता है उस टाइम पीरियड में जब उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है अपना पांचवा कल्प्रेट इस रेप केस का उस बच्ची को, तो शायद से गलती से गार्गी के बाप को कर लेती है, बट क्या ये सच है, मूवी उसी पे खेलती है। और मूवी जब खेलती है तो तुम्हें आखिर तक दर्द होता है, आखिर में वो गम है ना वो तुम्हारे साथ छोड़ जाती है कि क्या और क्यों। और मूवी रियलिटी क्लोज रह के कोर्ट रूम ड्रामा दिखाती है ना कि बहुत ही आर्टिफिशियली। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि साई पल्लवी क्वीन यू नेल्ड इट, मतलब लिटरली वो जो कैरेक्टर निभाया गया है साई पल्लवी के थ्रू तो मैं
एहसास ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है स्क्रीन पर उसको देखिए कितना दुख वो सह रही है उस टाइम पे। और एक ट्रांजिशन, जैसे कि मैं तुम्हें हर मूवी में बताता हूँ, इसमें एक ट्रांजिशन बहुत ही खूबसूरत है, जब गार्गी अपने पास्ट को सोच रही होती है और जब वो एक बैड एक्सपीरियंस उसके साथ होता है एक कमरे में, जब उसका टीचर उसके पास आने की कोशिश करता है, उसको टच करने की कोशिश करता है, और वो सीधा सीन बिल्कुल ट्रांजिशन करते हैं कि वो अपनी जो घर की दीवारों पर गंद लगा है उसको साफ कर रही है। वो वैसा ही है कि वो अपनी यादों में से उस गंद को साफ करना चाहती है, जैसा कि पास में उसके साथ हुआ था। और तुम सोचो जो उसका सेवियर था उस टाइम पे, जिसने बचाया था, जो उसके पापा थे उस टाइम, उन्होंने उसको बचाया था इस टीचर के चंगुल से और उसको घर से भगा दिया था कि नहीं पढ़ेंगे तेरे पास, और उसके बाद से वो हैप्पीली आफ्टर हो गए थे, बट क्या वो अंत तक चलने वाला था। और मूवी का सबसे स्ट्रॉन्ग जो सीन है वो किसी लीड के थ्रू आता ही नहीं, वो सीन आता है जो विक्टिम है उसके पापा के थ्रू, जब वो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मेरी बेटी कल तक 9 साल की थी और आज मैंने जब उसको पहली बार देखा तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, मैं उसको कैसे बताऊं, मैं उसको कैसे समझाऊं कि मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए, वो रात को उठ के रोने लगती है, उसको दर्द हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो जो दर्द है वो बताता है कि इतना टूट जाते हैं विक्टिम और विक्टिम की फैमिली पूरी। और इस सीन के बाद जब गार्गी के पापा अपना केस जीत जाते हैं और उनको पेरोल पे या बेल पे बाहर भेज दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो उसके बाद जब वो जो लड़की का बाप है उसको पता चलता है कि अब जो कल्प्रेट है वो बाहर घूमना, तो उसको घर तक मारने आता है, बट किस लिए रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि जो कल्प्रेट है उसकी भी बेटी है। अगर मैं ये सोच भी रहा हूँ तो मैं शायद से गलत हूँ, क्योंकि उसकी खुद की बेटी उतनी बराबर है, वो ऐसा कैसे कर सकता है, समझ लो, क्योंकि ये किसी के लिए भी अकल्पनीय ही होगा। और लास्ट ट्विस्ट जो है वो तुम्हें अंदर से शैटर कर देगा, मेरे को पर्सनली कर दिया था, मैं 5-10 मिनट सोच ही नहीं पा रहा था कुछ, मैं ब्लैंक हो गया था उस टाइम, तो मैं बहुत गुस्सा आएगा। और कौन है कल्प्रेट वो तुम्हें मूवी में ही पता चलेगा। एक अच्छी मूवी है जो तुम सबको देखनी चाहिए, अगर तुम्हारे घर में कोई फीमेल है तो तुम्हें उन्हें ज़रूर दिखानी चाहिए ये मूवी, क्योंकि आज के ज़माने का कुछ नहीं पता, तुम जिसके साथ सबसे क्लोज हो तुम उसका ही नहीं पता हो क्या पता। ये बोलते हुए भी दुख हो रहा है, बट मूवी बहुत अंदर से झकझोड़ देती है जब तुम ख़त्म करके उठोगे उस मूवी को। तो मूवी के लास्ट में एक मोनोलॉग है गार्गी के बहन के लिए, क्योंकि वो वुमनहुड में कदम रख चुकी है और उसको वेलकम किया जाता है सभी औरतों के द्वारा जो भी उस मूवी में दिखाई गई हैं इंपॉर्टेंट रोल में, और मूवी को दिखाया जाता है कि वी स्टिल हैव टू मूव ऑन, क्योंकि चीज़ें खराब होती हैं, हमें उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, हम उनको पकड़ के रह जाएंगे तो शायद से हम अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खराब कर दें। तो हाँ, इसी सोच के साथ मैं विदा लेता हूँ, नई स्टोरी के साथ आऊँगा, नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी में से दुरुस्त रहना, और हाँ अपनी मम्मी और बहन का ज़्यादा ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय बाय।